आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शहर कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र सिंह चिल्लू की एक पत्रकार वार्ता जिला मुख्यालय के पास कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी के निवास पर हुई। इस पत्रकार वार्ता में देवेंद्र सिंह चिल्लू ने अभी हाल ही में टीईटी परीक्षा के लीक होने के लिए प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उत्तर प्रदेश टेट की परीक्षा हुई थी, वो परीक्षा होने से पहले ही उसका प्रश्न पत्र आउट हो गया और उस प्रश्न पत्र के आउट होने में जो एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक का भाई था, बिहार के भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का भाई था और उसमें तमाम ऐसे लोग जो संलिप्त पाए गए वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग हैं। सरकार ने इतनी शिथिलता बरती कि लाखों छात्राएं ने महीनों से उस परीक्षा की तैयारी की थी। उसमें कुछ लोग ऐसे थे कि शायद अब अगर अगली परीक्षा हो तो शायद उनको मौका अगर ना मिले तो वो ओवर एज भी हो सकते हैं, उनके जीवन में फिर नौकरी की कोई संभावना नहीं रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, हमको ये महसूस होता है कि इसमें इनको पैसा कम मिला होगा इसलिए इन्होंने पेपर को आउट करा दिया। पेपर के भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, कौन सी चीज़ बची है? व्यापारी के कल देखा आपने, पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। व्यापारी परेशान है, छोटे दुकानदार परेशान है और इस प्रकार परेशान है कि जीएसटी के जो अधिकारी हैं वो घर घर जाकर वसूली करते हैं। ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार, इनको कहीं भी पैसा मिल जाए, भ्रष्टाचार का पैसा मिल जाए, ये छोड़ेंगे नहीं, आखिरी दम तक जाएंगे। कैसे होते हैं वो लोग, कैसे होते हैं वो लोग, मैं इनके लिए कह रहा हूँ, देखना इस देश के अंदर कैसे होते हैं वो लोग, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये तो ये वो चीज़ है, जिस थाली में खाते हैं उसी को घर ले जाते हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी और उसका नेतृत्व जो है प्रियंका गांधी जी के साथ होगा और हम बड़ी उम्मीद करते हैं कि हम कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो है गली कूचों में जा रहा है और बड़े भरसक प्रयास कर रहे हैं हम जो है कि हम कांग्रेस को जो है लेके आएंगे। जनता गलत रास्ते पर ही, और जनता बहुत अच्छी तरह समझ गई है कि अब हिंदू और मुसलमान, मस्जिद और मंदिर की लड़ाई खत्म हो गई, अब विकास की लड़ाई होगी और वो कांग्रेस के नेतृत्व में होगी।